कि कल हमारे पवित्र त्यौहार ईद उल फितर था, और ये त्यौहार लगभग जो महीना गया रमज़ान का रिस्ट्रिक्शंस में ही गया है। ये नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो लोगों की फीलिंग है उसको अलाइव नहीं है, हम इसका हमें एहसास है कि लोगों को रिस्ट्रिक्शंस में बहुत सारी दुश्वारियां पेश करनी पड़ती हैं, पर जिस तरह से ये त्यौहार मनाया गया, मैं पुंछ की तमाम जनता का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही सादगी से घरों में रहकर और कोविड का SOP फॉलो करके ये त्यौहार मनाया। इसके लिए मैं तमाम रिलीजियस जो रहनुमा हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही अहम रोल प्ले किया और उन्होंने मस्जिद से वक्त वक्त पे मैसेज दिए और पब्लिक को कोविड में कैसे त्यौहार मनाना है उसके लिए उन्होंने पब्लिक को कन्विंस किया, एक पब्लिक ओपिनियन जनरेट किया। मैं इसके साथ पुंछ निवासियों का भी शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जो लगभग पिछले 2 महीने से जब से मैं जहाँ हूँ कोविड के जितना भी SOPs हैं वो उसको मानते हुए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मानते हुए अपना जो कामकाज कर रहे हैं जिसका हमें फ़ायदा भी मिल रहा है। इसके साथ मैं हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, उनका भी आज मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि वो बावजूद कठिनाइयों के, बावजूद चुनौतियों के काम कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। जहाँ तक जिला पुंछ में कोविड मिटिगेशन मेजर्स का संबंध है तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमने 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 24/7 कंट्रोल रूम बनाकर रखे हुए हैं और 3 सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल रूम फंक्शंस कर रहे हैं। कंट्रोल रूम का जो मेन काम है वो जितने भी कोविड पॉजिटिव पर्सन हैं उनका लाइन लिस्टिंग करना। हमारे जहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो दिन में 2 बार कोविड पॉजिटिव पर्सन को फ़ोन करते हैं और उस उनकी हेल्थ के बारे में जानकारी लेते हैं और उसकी डेटा बिल्डिंग करते हैं। उनका बहुत अहम रोल है। जब कोई कोविड पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक से एसिम्प्टोमेटिक होता है या मॉडरेटली सिम्प्टोमेटिक होता है तो उसको लेवल 2 या लेवल 3 फैसिलिटी में जैसी सूरत हो शिफ्ट करना पड़ता है, और ये डिसीज़न हमारे डॉक्टर्स जो कोविड कंट्रोल रूम में काम कर रहे हैं वो वक्त पे फैसला लेते हैं जिससे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने का संभावना कम हो जाती है। अगर वो सवेयर सिम्टम्स में चला जाएगा तो उसको ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। इसके साथ मैं कुछ डेटा जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि पब्लिक को भी जो कोविड का डेटा है उसके बारे में जानकारी हो। हमारे पुंछ में आज तक 4,016 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से 2,922 केसेस जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं पिछले 1 साल से और 54 केसेस जो हैं वो डेथ्स हो चुकी हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एज ऑन डेट 1,040 केसेस हैं जो आज की डेट में एक्टिव हैं। हमने आज तक 2 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए हैं और हमारी जो टेस्ट करने का जो प्रतिशत है वो 4,28,956 पर मिलियन है, तो ये नेशनल लेवल पे जो प्रतिशत है उससे बेटर प्रतिशत है ये। इसी के साथ आज तक हमने 92,939 लोगों को वैक्सीन का डोज दिया है। हमने आपने देखा होगा कि जो पिछले कुछ टाइम से जो कोविड के पॉजिटिव केसेस हैं वो कुछ क्लस्टर्स में जो निकल रहे हैं और क्लस्टर्स का डेटा जो है वो पोर्टल पे शेयर होता है, तो जहाँ जहाँ ये क्लस्टर्स के केसेस आए हैं वहाँ हमने कंटेनमेंट जोन्स बना के रखे हैं जिनको पहले रेड जोन कहते थे, वहाँ रिस्ट्रिक्शंस और भी सख्त हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बड़ी सख्ती से वहाँ जो इम्प्लीमेंट की जाती हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 दिन का अगर हम एवरेज ले लें तो हमारा जो डेथ रेट है वो 1.60 है। अभी भी हम बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट से लगभग मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट से हम जो है बेटर प्लेस्ड हैं।
और रिकवरी रेट हमारा जो है वो 73% है। हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो 1.90 है। हमारे जो होम आइसोलेशन में केसेस हैं वो 984 केसेस जो हैं आज की डेट में होम आइसोलेशन में हैं। अभी मैं आपको जो हमारी कैपेसिटीज़ हैं हॉस्पिटल्स की उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा, ताकि जनता को हॉस्पिटल की कैपेसिटीज़ के बारे में भी पता चल सके। हमारे जो लेवल 2 है, लेवल 2 मीन्स हॉस्पिटल, इनको कोविड हेल्थ सेंटर्स कहते हैं। ये हमारे पास 100 बेड्स की कैपेसिटी है। और लेवल 3 जो होता है उनको कोविड केयर सेंटर कहते हैं, वो हमारी 370 बेड्स की कैपेसिटी है। जो लेवल 2 में आज की दिन में 100 में से 43 बेड्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, और रिमेनिंग 57 बेड्स जो हैं वो अभी वेकेंट हैं। लेवल 3 जो है कोविड केयर सेंटर्स हैं, ये हमारे पास 8 जो हैं ऑक्यूपाइड हैं और 362 जो हैं वो वेकेंट हैं। ओवरऑल हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 400, लेवल 1, लेवल 2 प्लस लेवल 3 का जो कैपेसिटी है वो 470 है, जिसमें से 51 की ऑक्यूपाइड है और 419 की जो है वेकेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 दिन से हाउस टू हाउस सर्वे चल रहा है, और मॉपिंग हम सर्वे बोल रहे हैं हम इसको, जितनी भी सोसाइटी में इन्फेक्शन है उसको हम डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सर्वे के दौरान हमने 200 मोर देन 260 पर्सन्स जो हैं वो पॉजिटिव डिटेक्ट किए हैं, और उनको बहुत जल्द हम लेवल 3 जो कोविड केयर सेंटर हैं वहाँ उनको शिफ्ट करेंगे, और अगर इनमें से कोई मॉडरेटली सिम्टोमेटिक हुआ तो उसको हम लेवल 2 में भी शिफ्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमने सोसाइटी में पिछले 3 दिन लगा के जो इन्फेक्शन जो ढूंढी है उसको हम अपनी केयर में लाएंगे, ताकि फर्दर जो उनसे इन्फेक्शन फैलने का जो संभावना है वो कम हो सके। रहता है, आपने भी देखा होगा, कभी कभी मीडिया में भी आता है, जो आपका सोशल मीडिया है, जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को लेके जो इश्यूज चलते हैं। तो अगेन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ऑक्सीजन के 2 प्लांट्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। एक प्लांट जो है 2200 LPM का, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उसमें सारे जो सिविल वर्क्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और मैकेनिकल वर्क्स का टेंडर जो है अलाट हो गया है। पिछले 1-2 दिन पहले जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो वहाँ आई थी, वो वहाँ से देख के जो है चली गए हैं, और उन्होंने जो जो वहाँ काम करने हैं उसका काम होना शुरू हो गया है। तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि 3 पार्ट में ये जो 2200 के LPM की कैपेसिटी है, तो एक पार्ट जो है उसको हम 20-25 दिन में फंक्शनल करवा लें 750 LPM का। इसी के साथ जो मंडी हॉस्पिटल है वहाँ सिविल वर्क्स चल रहे हैं, तो उसको भी हम 20-21 दिन में जो है प्लांट को लगवा कर वहाँ भी फंक्शनल करवाना चाहते हैं। जब तक ये प्लांट फंक्शनल नहीं होंगे तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो हमारी ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे बनी रहेगी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स का जो